लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस ने मोती झील स्थित लाजपत भवन में शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। भव्य संवाद कार्यक्रम से महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री वर्षा गायकवाड़, ऑल इंडिया कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक मुख्य अतिथि रहीं। पहली बार शहर में कांग्रेस द्वारा आयोजित हुए शक्ति संवाद कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने तख्ती बैनर लेकर उत्साह और जोश के साथ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यक्रम में आई महिलाओं से वाद संवाद भी किया गया। कुछ महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने के तरीके बताए गए। साथ ही हर किसी के अंदर छिपी महिला शक्ति को जगाने के लिए प्रेरणा स्रोत महिलाओं को उदाहरण के रूप में पेश किया गया। कार्यक्रम का रुझान देखकर कांग्रेसियों में सत्ता में दोबारा आने की उम्मीद भी जगी। कि ऐसा है कि प्रियंका जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है राजनीति में, और मुझे लगता है कि ये प्रदेश नहीं, ये देश और विश्व की राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम है। 40% महिलाओं को टिकट देने का मतलब है कि सबसे बड़ा अवरोध जो राजनीति में आने का महिलाओं के पास होता है वो ये होता है कि टिकट ही नहीं देती हैं पार्टियाँ। आज वो कह रही हैं हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये करने के लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए उनके हक की बात, उनके सशक्तिकरण की बात, और सबसे ज़्यादा हमने जो महिला मैनिफेस्टो बनाया है उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर आयु की महिला की बात है। आपके जैसी कामकाजी महिला की भी बात है, गृहिणियों की भी बात है, स्टूडेंट्स की भी बात है, हर तरह की महिला की बात है। और मुझे लगता है कि ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का या दलगत राजनीति का नारा नहीं है, ये नारा तो आज इस देश की हर बेटी का नारा है। आपको सबको पता है कि जिस तरह से प्रियंका जी ने 40% टिकट जो है महिलाओं को देने की बात कही है, और जगह जगह पे अलग अलग चीज़ें उन्होंने कही है। जैसे आपको पता है कि लड़कियों के लिए जो है वो मोबाइल की बात हो, स्कूटी की बात हो, गैस की बात हो, कितने गैस मिलेंगे, विश्वविद्यालय की बात हो, अलग अलग चीज़ें जो है वो हमारे मैनिफेस्टो के माध्यम से आई है। और जिस तरह प्रियंका जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस मामले में बात कर रही है, हमें लगता है कि आज सम्मेलन के माध्यम से हमने वही यहाँ पे देखा कि कानपुर में जिस तरह से महिलाएं बहनें यहाँ पे बड़े पैमाने पे आई है, और जो उत्साह उनके अंदर मैंने देखा है वो सबसे बड़ा काबिल तारीफ है। बीजेपी ने भी नारा दिया था पढ़ेंगी बेटियाँ लड़ेंगी बेटियाँ, तो किस तरीके से अब ये जो आपका स्लोगन है वो उसको पढ़ेंगी बेटियाँ लड़ेंगी पढ़ेंगी बेटियाँ बचेंगे बच्चे, जो नारा उन्होंने दिया था उसमें से कितना पैसा उन्होंने खर्चा किया वो भी तो आपने कभी मालूम करना चाहिए। लगभग मुझे मालूम है कि 40-60% 50% बजट जो है वो सिर्फ जाहिरातों पे ही चला गया, जिसमें बच्चियों पे जाना चाहिए वो बच्चियों पे गया ही नहीं है। आज यहाँ पर शक्ति विधान जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको लेकर आज यहाँ पर चर्चा की गई है, महिला सम्मेलन हुआ है जिसमें कि हमारी आदरणीय शिक्षा मंत्री आदरणीय वर्षा गायकवाड़ जी आई हैं, रागिनी नायक जी, सुप्रिया श्रीनेत जी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, और प्रियंका जी का जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे के चलते महिलाओं में जो जोश है, जो ऊर्जा है, उसको यहाँ पर और ज़्यादा बल देने का काम किया गया है। और भाजपा सरकार ने महिलाओं को ठगने का और जुमलेबाजी करके जो धोखाधड़ी का काम किया है उसके विरोध में कांग्रेस में सभी महिलाएँ एकजुट हो गई हैं, और 2022 में हम सभी प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।